हेलो। सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आई डोंट नो इफ देयर इज सम लाइट इशू। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? जस्ट लेट मी नो सो वी कैन स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर। सो यस यस यस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग प्रभाकर, गुड इवनिंग निकिता, गुड इवनिंग वनीता। सो गाइज, जस्ट लेट मी नो, आई एम ऑडिबल एंड स्क्रीन इज विजिबल, सो वी कैन स्टार्ट टुडेज लेक्चर। बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर, कल के लेक्चर के एंड में कुछ प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर रहे थे, सो वो पहले हम क्या कर लेते हैं, कंक्लूड कर लेते हैं। उसका सॉल्यूशन आपने किया है नहीं किया है, आई डोंट नो। सो एक लास्ट एक प्रॉब्लम था जो मैंने थोड़ा सा हिंट देकर छोड़ दिया था, ठीक है? तो आपने किया है क्या वो? वी विल स्टार्ट फ्रॉम दैट प्रॉब्लम इटसेल्फ। एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन। ओके, सो हम स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद दैट क्वेश्चन ओनली जो कल हमने जस्ट जाते जाते छोड़ दिया था। एग्जैक्टली एग्जैक्टली प्रभाकर, वही क्वेश्चन है ये। एज आई सेड कि यहाँ पे अगर आपका क्वेश्चन लाइक एक जनरलाइज्ड लिया है एन के लिए, व्हाट वी कैन डू, हम एन के एक स्पेसिफिक वैल्यू कंसिडर करके फिर क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। तो वही हम यहाँ पे कर रहे थे। अगर आप हम क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, लेट्स सी। हमारे पास यहाँ पे देखो एक सेट दिया था लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का, ओके, वी वन वी टू वी एन। फिर उन्होंने इन वी आईज की मदद से, वी वन वी टू वी एन, इन वी आईज की मदद से कुछ नए वेक्टर प्रोड्यूस किए डब्ल्यू आई जे करके। वो कैसे है, वी आई माइनस वी जे टाइप के। एंड फिर इन सारे वेक्टर्स का, ओके, डब्ल्यू आई जे का स्पैन उन्होंने एक नया सबस्पेस डिफाइन किया डब्ल्यू करके। एंड फिर इस डब्ल्यू के ही रिगार्डिंग हमारे सारे ऑप्शन, ठीक। अब यहाँ पे देखो हर एक ऑप्शन में उन्होंने क्या किया था, जो ओरिजिनल स्पैन लिया था, ओके, ओरिजिनल स्पैन में सारे डब्ल्यू आई जे टाइप के थे, वन लेस देन इक्वल टू आई कॉमा जे लेस देन इक्वल टू एन। फिर वहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में उन्होंने इस सेट को थोड़ा सा कम किया था, आई स्ट्रिक्टली लेस देन जे। फिर यहाँ पे अगेन दे रिड्यूस, ओके, यहाँ पे उन्होंने कहा कि लिनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं। फिर अगेन एक थोड़ा सा सेट रिड्यूस किया एंड दे आर आस्किंग वेदर दिस विल स्पैन डब्ल्यू। एंड लास्टली उन्होंने कहा था कि डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू एन। तो हमने इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया था, एक स्पेसिफिक केस लिया था एन इज इक्वल टू 4 का। यहाँ पे क्वेश्चन में जैसे एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, तो हम एन 4 लेके चले गए, ठीक है।
तो एन अगर हमने फोर लिया तो हमारे पास ये चार वेक्टर्स बनेंगे, वी वन वी टू वी थ्री वी फोर, ओके। एंड इन चार वेक्टर से फिर जितने पॉसिबल डब्ल्यू आई जेज बन सकते हैं हमने बना लिए। डब्ल्यू आई जे इज नथिंग बट वॉट, वी आई माइनस वी जे, ठीक। तो कितने पॉसिबल बन सकते थे, तो हमने क्या किया, इन सारे वेक्टर्स को इट वॉज गुड टू राइट देम इन अ मैट्रिक्स फॉर्म, ओके। मतलब मैट्रिक्स के इंट्रीज के यहाँ पे हमने उन डब्ल्यू आई जेस को लिख लिया। तो डब्ल्यू वन वन क्या होगा, वी वन माइनस वी वन, डब्ल्यू टू टू क्या होगा, वी टू माइनस वी टू, डब्ल्यू टू थ्री क्या होगा, वी टू माइनस वी थ्री, एंड सो ऑन। तो जितने वेक्टर्स पॉसिबल थे हमने सब इसको इस फॉर्म में लिखे रेक्टेंगुलर में, ठीक है। तो यहाँ पे तो वी वन माइनस वी वन यानी कि डब्ल्यू वन वन जीरो आने वाला था, फिर यहाँ पे भी डब्ल्यू टू टू यानी कि वी टू माइनस वी टू जीरो आता, वी थ्री माइनस वी थ्री जीरो, वी थ्री माइनस वी फोर माइनस वी फोर जीरो, यहाँ पे डब्ल्यू वन टू डब्ल्यू वन थ्री डब्ल्यू वन फोर। तो हर एक की हमने वैल्यू लिखी, फिर एग्जैक्टली वो डब्ल्यू वन टू का फॉर्मूला क्या है, तो वी वन माइनस वी टू, वी वन माइनस वी टू, वी वन माइनस वी थ्री, वी वन माइनस वी फोर, ओके, कुछ इस तरीके से। लेट्स थोड़ा सा इंदाज कर लेते हैं चीजों को। तो यहाँ पे डब्ल्यू वन वन डब्ल्यू टू टू थ्री थ्री फोर फोर ये सारे क्या होंगे, जीरो हो जाएंगे, क्योंकि वो वेक्टर माइनस इटसेल्फ वेक्टर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे जीरो, यहाँ पे डब्ल्यू वन टू यानी कि वी वन माइनस वी टू, फिर वी वन माइनस वी थ्री, वी वन माइनस वी फोर, यहाँ पे वी डब्ल्यू टू वन यानी कि वी टू माइनस वी वन, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे वी टू माइनस वी थ्री, वी टू माइनस वी फोर। देन थर्ड रो में डब्ल्यू थ्री वन डब्ल्यू थ्री टू डब्ल्यू थ्री थ्री डब्ल्यू थ्री फोर यानी कि वी थ्री माइनस वी वन, वी थ्री माइनस वी टू, जीरो, वी थ्री माइनस वी फोर, एंड लास्टली वी विल हैव वी फोर माइनस वी वन, वी फोर माइनस वी टू, वी फोर माइनस वी थ्री, यहाँ पे जीरो। अब देखो उन्होंने यहाँ पे गाइस जो स्पेस डिफाइन किया है डब्ल्यू, वो ध्यान से देखो क्या है, स्पैन ऑफ दिस वेक्टर्स डब्ल्यू आई जे, मतलब जो हमारा W है यहाँ पे, ठीक है, वो इन सारे वेक्टर्स का स्पैन है, जो आपको इस मैट्रिक्स में दिख रहे हैं ना, इन सारे वेक्टर्स का जो स्पैन है, हमने स्पैन डिफाइन किया था फाइनाइट सेट का, यानी कि सारे लीनियर कॉम्बिनेशन, करेक्ट। तो ये W जो उन्होंने डिफाइन किया, ये जो सारे वेक्टर्स का क्या है, स्पैन है। लेकिन देखो स्पैन के लिए मतलब ज़रूरी नहीं कि जितने वेक्टर्स यहाँ पे दिख रहे हैं उन सब की ज़रूरत होगी, इनमें से कुछ वेक्टर्स क्या हो सकते हैं, रिडंडेंट हो सकते हैं। रिडंडेंट मतलब उनका यहाँ पे ना होना भी हमारे स्पैन को अफेक्ट नहीं करेगा, मतलब कुछ वेक्टर नहीं भी है फिर भी बाकी के वेक्टर क्या कर लेंगे, उनको कवर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वही देख रहे थे कि किन किन वेक्टर्स की यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो पहले तो जीरो वेक्टर की तो कुछ ज़रूरत नहीं है, मतलब वैसे भी वो स्पैन में कुछ खास हमें क्या नहीं करेंगे, हेल्प नहीं करेंगे, तो इनको कैंसिल कर दिया। फिर यहाँ पे देखोगे तो ये जस्ट क्या है, एक दूसरे के नेगेटिव मल्टीपल्स, ये मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक है। तो यहाँ पे वी वन माइनस वी टू से ही हम वी टू माइनस वी वन प्रोड्यूस कर सकते हैं जिस नेगेटिव मल्टीपल। तो ये जो पूरा बिलो द डायगोनल के जो सारे वेक्टर्स दिख रहे हैं, इनका भी कोई हमें यूज नहीं है एज इफ स्पैन में, मतलब ये ना होंगे फिर भी हम इनको प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस वेक्टर्स, ठीक है। अब यहाँ पे भी ज़रा ध्यान देखो, वी वन माइनस वी टू है एंड यहाँ पे है वी टू माइनस वी थ्री। अगर हम इन दो वेक्टर्स की गाइस एडिशन कर ले, वी वन माइनस वी टू प्लस वी टू माइनस वी थ्री, सो वी टू एंड दिस वी टू एंड वी टू विल गेट कैंसिल, वी वन माइनस वी थ्री बचेगा जो यहाँ पे आएगा। मतलब इस वेक्टर्स की भी हमें, इस वेक्टर की भी हमें एज इफ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वेक्टर देखो इन दोनों के एडिशन से यहाँ पे बन जाएगा। फिर अगेन देखो वी टू माइनस वी थ्री एंड वी थ्री माइनस वी फोर, इन दोनों की अगर आप एडिशन कर लोगे, वी थ्री विल गेट कैंसिल, वी टू माइनस वी फोर आ जाएगा। इस वेक्टर की भी हमें एज इफ ज़रूरत नहीं है, करेक्ट। एंड फिर यहाँ पे देखो वी वन माइनस वी फोर था, अगर आप इन तीनों को ऐड कर लोगे, लेकिन वी वन माइनस वी टू प्लस वी टू माइनस वी थ्री प्लस वी थ्री माइनस वी फोर, वी टू वाला कैंसिल, वी थ्री वाला कैंसिल, बचेगा क्या, वी वन माइनस वी फोर। इस वेक्टर की भी एज इफ ज़रूरत नहीं है। तो जिन वेक्टर्स की हमें असल में ज़रूरत है, अगर हमें स्पैन चाहिए एंड मिनिमल स्पैनिंग सेट चाहिए, ठीक है, कम से कम कितने वेक्टर्स होने चाहिए सो दैट
द एंटायर स्पैन विल बी सेम एज, अब जब हम रिड्यूस करेंगे मिनिमल वेक्टर्स के साथ उतना ही रहेगा। तो बस हमें इफ यू नोटिस इन तीन वेक्टर्स की ही जरूरत है, वी वन माइनस वी टू, वी टू माइनस वी थ्री एंड वी टू माइनस वी फोर। लाइक जो अबाव डायगोनल वाला जो ये डायगोनल है, ठीक है, इस वाले की इतने ही वेक्टर्स की बेसिकली हमें ज़रूरत है इफ़ यू नोटिस, क्योंकि ये तो जीरो है, ये तो ऐसे ही कटने वाले। ठीक, इन वेक्टर्स की कुछ ज़रूरत नहीं, वो को तो वहाँ के नेगेटिव थे। एंड यहाँ पे भी हमने ऑब्जर्व किया कि इस डायगोनल से हम ऐड करते जाएंगे तो बाकी के सारे एलिमेंट्स ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होते जाएंगे, तो एज इफ हमें बस इतने वेक्टर्स की ज़रूरत थी। ठीक है, तो अब ज़रा सा ऑप्शन को ऑब्जर्व कर लेते हैं क्या क्या है। देन ऑप्शन ए सेज, ऑप्शन ए में उन्होंने कौन से वेक्टर्स लिखे हैं वो ध्यान से देखो। डब्ल्यू आई जे सच दैट वन लेस देन और इक्वल टू आई, स्ट्रिक्टली लेस देन जे, लेस देन और इक्वल टू एन, स्पैन्स डब्ल्यू। ओके, मतलब जब आई आपका स्ट्रिक्टली लेस देन गाइस जे है, यानी कि दे आर टॉकिंग अबाउट द एलिमेंट्स अबाउ द डायगोनल। ठीक है, मतलब अगर लेट्स एड वन मोर स्लाइड हेयर। तो अगर हमारे पर्टिकुलर केस की बात करें तो ये जो ऑप्शन ए में उन्होंने वेक्टर्स दिए थे यहाँ पे आई स्ट्रिक्टली लेस देन जे वाले, ठीक है, तो एग्जैक्टली वो कौन से वेक्टर्स रहेंगे अबाउ द डायगोनल वाले, ये वाले। ठीक है, एंड दे आर आस्किंग इन सारे वेक्टर्स का जो स्पैन होगा वो भी डब्ल्यू के बराबर होगा, एंड दे आर करेक्ट। क्योंकि देखो हमने इन सारे वेक्टर्स का स्पैन लिया, या फिर पूरे हमारे जो 16 वेक्टर्स थे उनका स्पैन लिया, तो सेम ही होने वाला था। क्योंकि यहाँ के जो जीरोस थे वो तो हमने वैसे भी क्या किए थे, कुछ ज़रूरत नहीं थी। एंड बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स थे वो भी हमने हटा ही दिए थे, क्योंकि वो जैसे इनके क्या है, निगेटिव है। देखो आई अग्री कि ये क्या है, हमारा मिनिमल स्पैनिंग सेट नहीं है, क्योंकि जैसे हमने ऑब्जर्व किया था जस्ट अबव द डायगोनल वाले एलिमेंट्स भी सफिशियंट है, बट इसका मतलब ये नहीं कि इस पर्टिकुलर सारे वेक्टर्स का स्पैन हमें डब्ल्यू नहीं देगा। ऑफ कोर्स वो भी क्या देने वाला है, डब्ल्यू ही देने वाला है, जस्ट इट इज नॉट द मिनिमल सेट। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए, डब्ल्यू आई जे वन लेस देन इक्वल टू आई स्ट्रिक्टली लेस देन जे, स्पैन्स डब्ल्यू, दिस शुड बी करेक्ट। मतलब उन्होंने ओरिजिनल जो वेक्टर्स का स्पैन लिया था उसमें से कुछ वेक्टर्स कम किए, एंड जो कम किए उनका एज इफ जरूरत था नहीं, ठीक है, रिडंडेंट थे। दिस इज ऑल्सो फाइन, दिस विल ऑल्सो स्पैन डब्ल्यू। ऑप्शन बी देखो क्या कह रहा है, डब्ल्यू आई जे सच दैट वन लेस देन इक्वल टू आई लेस देन जे इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ डब्ल्यू। मतलब वो क्या कह रहे हैं कि ये जो सारे वेक्टर्स मिलेंगे आपको अबाउ द डायगोनल वाले, ये क्या रहेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट फॉर्म करेंगे। तो दिस इज फॉल्स। जैसे यहाँ पे ऑब्जर्व करो, अगर ये सारे वेक्टर्स हम कंसिडर करेंगे अबाउ द डायगोनल वाले तो दिस इज नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्योंकि ये जो सारे वेक्टर्स हैं दिस वन दिस वन दिस वन, ये क्या हो जाएंगे, रिडंडेंट है ना, क्योंकि इनके कॉम्बिनेशन से हम क्या कर सकते हैं, इनको प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन बी हमारा गलत हो जाएगा, दैट इज नॉट इंडिपेंडेंट। ऑप्शन सी सेइंग कि वन लेस देन और इक्वल टू आई लेस देन और इक्वल टू एन माइनस वन एंड जे इज इक्वल टू आई प्लस वन स्पैन्स डब्ल्यू। अगर ये सेट को ध्यान से देखोगे तो कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, देखो अगर हम एन इज इक्वल टू फोर की बात कर रहे हैं, तो अगर एन इज इक्वल टू फोर है तो ये कंडीशन कैसे दिखेगी, वन लेस देन इक्वल टू आई लेस देन और इक्वल टू थ्री एंड जे इज आई प्लस वन। आई के लिए दीज आर द थ्री चॉइसेस, वन टू थ्री एंड जे इज आई प्लस वन। तो डब्ल्यू क्या हो सकता है, डब्ल्यू वन एंड जे इज आई प्लस वन, यानी कि वन टू टू थ्री थ्री फोर। एंड व्हाट दे आर सेइंग कि ये जो वेक्टर्स मिलेंगे हमें वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे तो वो वेक्टर्स जो मिले हैं वो एग्जैक्टली हमारे ये वेक्टर्स हैं, डब्ल्यू वन टू डब्ल्यू टू थ्री एंड डब्ल्यू थ्री फोर, एंड यस दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, इनको हम एक दूसरे से प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक, एंड लास्टली ऑप्शन से डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू इज एन। अब यहाँ पे देखोगे तो डायमेंशन कितनी लगेगी, क्योंकि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है एंड दीज आर इनफ टू स्पैन अवर एंटायर डब्ल्यू। चार के केस में, ओके, फोर बाय फोर के केस में अबाउ द डायगोनल कितने एलिमेंट्स है, थ्री है, सो दिस शुड बी द डायमेंशन। तो एन के केस में एन बाय एन, अगर हम जनरल एग्जाम्पल ले एन बाय एन मैट्रिक्स के केस में अबाउ द डायगोनल कितने एलिमेंट्स रहेंगे, एन माइनस वन,
यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए था, n माइनस वन, तो दिस शुड ऑल्सो बी फॉल्स। सो यहाँ पे a कॉमा c सही होना चाहिए। ओके तो यही था किसी का आंसर, या कोई और अदर आइडियाज है क्वेश्चन को लेके? क्लियर है क्या एक्सप्लेनेशन? डू लेट मी नो इन द कमेंट। जस्ट अ मिनट। ओके तो आई गेस ए कॉमा सी सही होना चाहिए। यही थे क्या आपके भी चॉइसेस? कोई अगर दिक्कत है एक्सप्लेनेशन में, सो वी विल रिपीट वंस अगेन, लेट मी नो। क्लियर? ओके क्लियर वनीता। ओके निकिता, आपको भी क्लियर है क्या? एक नेक्स्ट क्वेश्चन और एक था जो कल हमने डिस्कस नहीं किया था रिगार्डिंग दिस, तो इसके बारे में भी सोचो। अगेन इट वॉज ऑन स्पैन एंड ऑल। ओके सो थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, सो ध्यान से पढ़ते हैं क्वेश्चन को एंड देन वी विल थिंक अबाउट इट। क्वेश्चन भले ही लेंदी था, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए एक की पॉइंट बस हमें पता होना चाहिए था, एंड इफ वी नो दैट की पॉइंट क्वेश्चन इजीली हो जाता। ठीक है तो यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन क्या कह रहा है। लेट वी डिनोट अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ। एक वेक्टर स्पेस लिया है विद अ बेसिस बी, एंड उसका कुछ बेसिस है ए वन ए टू ए एन, ये एन वेक्टर्स है कोई भी। अब ये यूजुअली हम सिंबल्स यूज कर लेते हैं हमारे स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर्स के लिए। ओके अगर एफ एन ओवर एफ हमारा एक वेक्टर स्पेस है, तो ई वन हमारा रिप्रेजेंट करता है 1, 0, 0, सो ऑन, ई टू 0, 1, 0 एंड सो ऑन। ठीक तो यहाँ पे उन्होंने ऐसे मेंशन नहीं किया है कि ये स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर्स है हमारे, या फिर कोई जो वेक्टर स्पेस है उसके बारे में भी उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया है। सो लेट्स नॉट टेक देम एज स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर्स, दे कैन बी एनी बेसिस वेक्टर्स। ठीक है ऑफ दिस वेक्टर स्पेस वी जो उन्होंने गिवन दिया। अब देखो उन्होंने क्या किया, जिस वेक्टर स्पेस के ऊपर के फील्ड था उस फील्ड के उन्होंने एन स्केलर्स चूज कर लिए यहाँ पे x1 x2 xn। लेट सी इज इक्वल टू, अब उन्होंने सी को एक सेट कंसिडर किया है, एंड उस सेट को देखो पहला एलिमेंट क्या है, पहला वेक्टर क्या है x1 e1, दूसरा वेक्टर क्या है x1 e1 + x2 e2, तीसरा वेक्टर एंड सो ऑन सो ऑन, ये हो गया उनका nth वेक्टर। ठीक है इस सेट देखो हम फिर से लिख लेते हैं यहाँ पे। ओके एक वेक्टर स्पेस था V ओवर F, एंड उसके पास एक बेसिस था B, E1, E2, अप टू E, ये उसका बेसिस था। फिर उन्होंने कुछ स्केलर्स पिक किए x1 x2 x3, सो ऑन xn बिलोंगिंग टू F। ठीक एंड फिर उन्होंने कुछ वेक्टर्स कंस्ट्रक्ट किए यहाँ पे, कैसे किया, एक है x1 e1, फिर एक है x1 e1 + x2 e2, फिर नेक्स्ट रहेगा x1 e1 + x2 e2 + x3 e3। इफ यू वॉन्ट यू कैन कॉल दिस v1, यू कैन कॉल दिस v2, यू कैन कॉल दिस v3, सो ऑन। vn है x1 e1 + x2 e2 + xn en, ये हो गए n वेक्टर्स। ओके जो उन्होंने कंस्ट्रक्ट किए। ओके सी यहाँ पे एक सेट लिया है इन एन वेक्टर्स का। ठीक है ओके यस यस यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर। तो यहाँ पे ये हो गया बी वन बी टू बी एन, एक सेट हो गया सी इन एन वेक्टर्स का। अब क्वेश्चन में उन्होंने इस इन वेक्टर्स के रिगार्डिंग हमें कुछ ऑप्शंस पूछे हैं, कुछ कंडीशंस एंड कंक्लूजन दिए हैं, देन तो एटलीस्ट सेटअप क्लियर है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अब देख लेते हैं क्या पूछा है हमें। ए ऑप्शन सेज सी इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इम्प्लाइज दैट एक्स आई नॉन जीरो फॉर एवरी आई 1 to up to n। ओके अगर हमारा ये सी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट बन गया, देन दैट विल इम्प्लाई कि ये जो सारे स्केलर्स थे वो नॉन जीरो है। दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन सेज एक्स आई नॉन जीरो फॉर एवरी आई, मतलब अगर ये सारे स्केलर्स नॉन जीरो हो गए
देन सी हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट बन जाएगा. देन ऑप्शन सी सेज द लीनियर स्पैन ऑफ सी इज वी इम्प्लाइज एक्स आई नॉन जीरो फॉर एवरी आई 1 to 3 अप टू एन एंड एक्स आई नॉन जीरो फॉर एवरी आई इम्प्लाइज लीनियर स्पैन ऑफ सी इज वी. ओके सो वॉट डू यू थिंक? ओके प्रभाकर सिंह, ए कॉमा डी होना चाहिए. ओके लेट अदर स्टूडेंट्स थिंक. What do you think कैसे होना चाहिए इस क्वेश्चन को? You can also share your approach किस तरीके से करना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन को करने के लिए देर आर डिफरेंट डिफरेंट वेज. ओके सो इट इज ऑलवेज गुड टू हैव डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेज अंडर अवर बेल्ट. सो अगर एक काम नहीं किया तो दूसरे से हम क्या कर सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं. ठीक. यहाँ पे एक एज आई सेड एक की रिजल्ट आपको बहुत इम्पोर्टेंट था इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग. बेसिकली अगर वो रिजल्ट आपको पता है देन एवरीथिंग बिकम्स वेरी स्मूथ. हम उसको ही नोट कर लेते हैं पहले. व्हाट इज दैट? तो सपोज हमारे पास एक हमको V1 V2 एन वेक्टर से. ओके एंड मोर स्पेसिफिकली एन लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर से. ठीक है. एंड हमने इन्हीं वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से कुछ वेक्टर्स यहाँ पे प्रोड्यूस कर दिए. ठीक. एंड अगर हमें चेक करना है कि वो जो वेक्टर्स हमें मिले हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए वी हैव वन क्राइटेरिया व्हाट वी कैन डू. सो व्हाट आई एम सेइंग कि देखो हमारे पास यहाँ पे एन लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है एंड हम इन्हीं वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से कुछ अलग अलग वेक्टर्स क्या करेंगे, जनरेट करेंगे. सो लेट्स से सपोज एक वेक्टर हमने यहाँ पे ऐसे जनरेट किया a11v1 प्लस a12v2 प्लस a13v3 प्लस a1nvn वेर दीज आर नथिंग बट सम स्केलर्स जो फील्ड से आएंगे. ठीक है. a11 a12 a13 a1n. ठीक. दिस इज सम वन वेक्टर. ओके लेट्स से w1. एक दूसरा वेक्टर इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से हमने जनरेट किया a21v1 प्लस a22v2 प्लस a23v3 प्लस a2nvn समथिंग. ठीक है. लेट्स से हमने ऐसे m वेक्टर्स गाइस जनरेट किए. wm इज am1v1 प्लस am2v2 प्लस am3v3 प्लस सो ऑन amnvn. इसी पैटर्न का कुछ हमारा क्वेश्चन भी है. उन्होंने हमें क्वेश्चन में कुछ एन वेक्टर्स दिए थे जो बेसिस फॉर्म कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो भी कैसे रहेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट रहेंगे. ठीक. एंड देन उन्होंने उन्हीं वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से कुछ वेक्टर्स प्रोड्यूस किए थे. ओके जो सी सेट था वहाँ पे दिया हुआ एंड उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन है. सो व्हाट आई एम सेइंग अगर हमारे पास एन वेक्टर्स है लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड इन वेक्टर्स का ही यूज करके उनके ही लीनियर कॉम्बिनेशन से हमने कुछ m वेक्टर्स यहाँ पे प्रोड्यूस कर दिए जैसे कि w1 w2 w3 एंड अब हमें चेक करना है कि क्या ये जो सेट है इन वेक्टर्स का w1 w2 wm का. ठीक है. अगर हम इस सेट को कहें c, अगर इस सेट को हम c कह लें w1 w2 wm. ओके सो व्हेन वी कैन क्लेम दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ वी हैव वन कंडीशन. एंड व्हाट इज दैट कंडीशन?
यहाँ पे गाइस जो स्केलर्स है हमारे पास, ओके, इन स्केलर्स को एक स्पेसिफिक वे से लिखा था, एंड वहाँ से थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि वी वर ट्राइंग टू यू नो पिक्चर देम एज एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पे आपके पास एक मैट्रिक्स बनेगा ए आई जे एंट्रीज का, मतलब A11, A12, A13, सो ऑन, A21, A22 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स निकल के आएगा इन स्केलर्स का, ओके, ए आई जेस का, अगर उस मैट्रिक्स के रैंक भी एग्जैक्टली m हो गए जितने यहाँ पे हमें वेक्टर्स दिख रहे, देन वी कैन से कि ये जो हमारे पास नए वेक्टर्स का सेट बना है क्या बन जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट बन जाएगा, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ ए, ये जो मैट्रिक्स बना है यहाँ पे ए आई जे का, ऐसे लिख लेते हैं, रैंक ऑफ ए हमें लिखना है ना, ए हैज रैंक एंड यहाँ पे शायद एक कंडीशन हमें एक्स्ट्रा इम्पोज करनी चाहिए, व्हाट आई फील कि जो ये एक वेक्टर्स बन रहे यहाँ पे वो हम मान के चलते कि हमने m लेस देन n बनाए, ठीक, क्योंकि अगर m अगर ग्रेटर देन n हो गया तो दिस हैज टू बी लीनियरली डिपेंडेंट, तो हम कुछ कर नहीं सकते, बट अगर m लेस देन n है इन दैट सिनारियो वी कैन डेफिनेटली से कि अगर इस मैट्रिक्स की रैंक m आ गई देन ये वेक्टर्स क्या बन जाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं रैंक, एस रैंक मैं मान के चल रहा हूँ जो वेक्टर सब नए बना रहे हैं एम वेक्टर्स वो एन से कम, ठीक है, एम लेस देन एन, देन वी कैन से कि दिस सेट न्यूली सेट डब्ल्यू आई इज लिनियरली इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ ए हैज रैंक। अब जब यहाँ पे एम इज इक्वल टू एन हो जाएगा, एम लेस देन और इक्वल टू एन भी कंसिडर कर सकते हैं, तो अगर एम इज इक्वल टू एन है तो रैंक m कब होगी, यानी कि फुल रैंक कब होगी, जब ये मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, नॉन जीरो हो जाएगा। दैट वाज द की पॉइंट एंड दैट इज द स्पेशल केस जो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने एग्जैक्टली n वहाँ पे वेक्टर्स थे लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड उनका यूज करके n वेक्टर्स बनाए थे। इफ यू सी यहाँ पे ये सारे लीनियर कॉम्बिनेशन ही है, मतलब x1 e1 बाकी के बेसिस वेक्टर्स नहीं है, यानी कि 0 टाइम्स e2 प्लस 0 टाइम्स e3 एंड सो ऑन 0 टाइम्स en, x1 e1 प्लस x2 e2 प्लस 0 टाइम्स e3 प्लस सो ऑन 0 टाइम्स en, 0 टाइम्स en सो ऑन दिस। तो अगर यहाँ पे अगर आपको वो मैट्रिक्स बनाना है स्केलर्स का, तो मैट्रिक्स देखो गाइस कैसे दिखेगा, x1 0 0 0, x1 x2 0 0 0, x1 x2 x3 0 0 0 एंड x1 x2 x2 xn। तो अगर हम मैट्रिक्स हम यहाँ पे बना ले, लेट्स ऐड वन मोर स्लाइड, यहाँ पे उस सेट सी के लिए उस स्केलर्स का मैट्रिक्स ऐसे दिखेगा, एन बाय एन मैट्रिक्स विथ दिस एंट्रीज x1 0 x1 x2 0 x1 x2 x3 0 x1 x2 x3, ठीक है, एंड जो सेट सी होने वाला है गाइस वो लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होगा, इफ एंड ओनली इफ रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू कितने हमने नए वेक्टर्स बनाए, तो एन है तो रैंक ऑफ इस मैट्रिक्स, मैट्रिक्स तो एन क्रॉस एन स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसकी रैंक एन कब होगी, इफ एंड ओनली इफ डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, करेक्ट, एंड अगर इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को नॉट इक्वल टू जीरो होना है, क्योंकि ये देखो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, तो उसका डिटरमिनेंट क्या रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज x1 x2 x3 x, तो वो नॉन जीरो कब होगा, व्हेन ईच ऑफ दिस एंट्री विल बी नॉट जीरो, करेक्ट, यहाँ पे वही था ऑप्शन आपके, सी इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, क्योंकि हमने इफ एंड ओनली किया है तो दोनों तरफ के से इम्प्लीकेशन होगा, तो सी लीनियरली इंडिपेंडेंट इम्प्लाइज
एक्स आई इज नॉन जीरो, तो ये करेक्ट हो जाएगा। एंड एक्स आई नॉन जीरो यानी कि उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो बन जाएगा, एंड देन ऑटोमेटिकली दिस विल इम्प्लाई सी इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। देन ऑप्शन सी देखो क्या कह रहा है, द लीनियर स्पैन ऑफ सी इज वी। ओके, अब देखो वी जो उन्होंने वेक्टर स्पेस लिया था उसका ये बेसिस था, उस बेसिस में कितने एलिमेंट्स थे, एन एलिमेंट्स थे, डायमेंशन कितनी थी, एन थी। अब यहाँ पे व्हेन दे आर सेइंग कि द लीनियर स्पैन ऑफ सी इज वी, अब देखो अगर हमारे वेक्टर स्पेस एन डिमेंशनल है, ठीक है, तो अगर एन डिमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो कभी भी एन से कम वेक्टर्स आपके उस वेक्टर स्पेस को स्पैन नहीं कर सकते। मतलब अगर आपके वेक्टर स्पेस फोर डिमेंशन की है, देन देयर यू विल नेवर फाइंड थ्री वेक्टर्स सो दैट दे विल स्पैन योर स्पेस भी, कभी नहीं हो सकता यहाँ पे। तो अगर एन डिमेंशनल आपके पास वेक्टर स्पेस है तो आपके पास एन वेक्टर्स ही होने चाहिए जो लीनियरली इंडिपेंडेंट रहेंगे, सो दैट यू कैन स्पैन योर स्पेस भी। अब द मोमेंट दे आर सेइंग कि द लीनियर स्पैन ऑफ सी इज वी, करेक्ट, इसका मतलब क्या हो गया, कि जो सी की कार्डिनलिटी रहेगी वो लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू एन होनी चाहिए, क्योंकि एज आई सेड एन से कम वेक्टर तो स्पैन करने नहीं वाले हैं, तो सी इज व्हाट, ग्रेटर देन और इक्वल टू एन, सी की कार्डिनलिटी, बिकॉज द लीनियर स्पैन ऑफ सी इज वी एंड वी इज एन डिमेंशनल। बट हमें एग्जैक्टली पता है सी में कितने एलिमेंट्स है, 1, 2, 3 अप टू एन वेक्टर्स है, ठीक है, बट यहाँ पे तो कार्ड से तो ऑलरेडी हमें क्या दिया है, एन दिया है। तो अगर एन ही वेक्टर्स आपके स्पेस को स्पैन कर रहे हैं तो उन एन वेक्टर्स को क्या होना पड़ेगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट ही होना पड़ेगा, क्योंकि हमारे स्पेस की डायमेंशन क्या है, एन है। एंड अगर कोई भी एन वेक्टर अगर हमारे स्पेस को स्पैन कर रहे हैं तो ऑफकोर्स उन वेक्टर्स को क्या होना पड़ेगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है नहीं तो वहाँ से हमें कुछ रिडंडेंट वेक्टर्स मिल जाएंगे, उसको हमने अगर रिमूव कर दिया तो वो सेट एन की कार्डिनलिटी से कम हो जाएगा। एंड बल्कि हमने, क्योंकि हमें रिडंडेंट वेक्टर्स ही रिमूव किए थे तो स्पैन तो वैसे का वैसे ही रहेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि एन से कम वेक्टर्स ने हमारे स्पेस को स्पैन किया है। बट अगेन दैट इज कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि अगर डायमेंशन एन है तो एन से कम वेक्टर्स स्पैन नहीं कर सकते। सो द मोमेंट हमें यहाँ पे वो लिख रहे हैं कि द स्पैन ऑफ सी इज वी, व्हाट दिस एक्चुअली इम्प्लाइज कि सी इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक, दिस इज द हिडन मीनिंग इज व्हाट, कि सी इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। एंड हमें ऑलरेडी पता है कि अगर सी लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया then this will definitely implies x is non-zero for every i 1 to up to n. And finally again x i non-zero for every i implies that linear span of c is v. Obviously linear span of c is v is equivalent to what, c is li, जो हमने ऊपर भी क्या किया था, बेसिकली प्रूव किया था। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था MSQ टाइप का, तो हमें हर एक ऑप्शन को यहाँ पे क्या करना था, एनालाइज करना था। जस्ट लेट मी नो क्लियर है या कुछ और फिर से एक्सप्लेन करना है कुछ चीजें, तब तो बात थोड़ा सा फिर से एक बार देख लो क्वेश्चन को, सॉल्यूशन समझो, इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट लेट मी नो। तो यहाँ पे तो सारे ही ऑप्शन सही हो गए थे हमारे, करेक्ट, ए अल्सो, बी अल्सो, सी अल्सो एंड डी अल्सो। क्लियर है, ओके, गुड गुड। सो आज का जो हमारा एक्चुअल टॉपिक था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, हम उसके ऊपर आते हैं, ठीक। पक्का क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रिजल्ट बेसिकली हमारा इम्पोर्टेंट था जो हमें यूज करना था यहाँ पे, दिस वन। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं अब हमारा, लाइक जो आज का टॉपिक था मेन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। एक्चुअली काफ़ी छोटी चीज़ें हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में, मोस्टली हमारा मेन मोटिव यही रहेगा कि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते समझेंगे, ठीक। तो बस थोड़ा सा इंट्रो देखेंगे एंड देन वी विल मूव टू क्वेश्चन। तो जस्ट मुझे PPT चेंज करने दो, जस्ट अ मिनट। तो
विल बी राइट बैक इन 1 मिनट. Okay, so the main thing that we will cover in system of linear equation is first we will take this just the intro ki kya hota hai, then kuch results ke baare mein discussion karenge and then we will see some questions. Majorly dekho ye jo system of linear equations hai, okay, wo hum matrix ke form mein padhenge. Matlab jo bhi hamare paas system di jayegi hum us system ko matrix mein convert kar lenge and then we will analyze that system, iske paas solution hai ya iske paas solutions nahi hai, using द टूल्स दैट वी यूज फॉर मैट्रिक्स. तो मैट्रिक्स के रैंक, नलिटी, उसका यूज करके फिर बहुत सारे रिजल्ट है कि हमारे सिस्टम के पास सोल्यूशन रहेगा या नहीं रहेगा. ठीक, तो इन जनरल हम आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन पता रहेगी, दैट इज नथिंग न्यू. a1 x1 + a1 2 x2 + a1 n x n = let's say y1, ये एक इक्वेशन हो गया जो कितने वेरिएबल्स में है, n वेरिएबल्स में. तो ये n वेरिएबल्स का एक इक्वेशन हो गया. ऐसे लेट से हमारे पास कुछ और इक्वेशन है, ओके, लेट से हमारे पास यूजुअली हम m लेके चलते हैं, ऐसे हमारे पास m इक्वेशन है. ठीक, तो जस्ट इसी सिस्टम को, ओके, ये बेसिकली सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है. लीनियर इक्वेशन क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारे वेरिएबल्स की पावर 1 है. लाइक जब वो 2 वगैरह में बढ़ती जाएगी तो हम दूसरे इक्वेशन में लीनियर से थोड़ा सा बाहर चले जाएंगे, नॉन लीनियर. ठीक, बट यहाँ पे सारे जो अननोन्स है, ठीक है, एक्साइज जो वेरिएबल्स है पावर 1 में है, तो ये लीनियर इक्वेशन है. सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमें फाइंड क्या करना है, ये स्केलर्स हमारे नोन रहेंगे सारे, ए आई जे एंड ये जो वाई लिखे हुए हैं ये सारे गिवन रहेंगे, ओके. हमें बेसिकली फाइंड करनी होती है एक्साइज की वैल्यूज इन अननोन्स की वैल्यूज, जो पुट करने के बाद हमारे क्या होंगे, सारे इक्वेशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई हो जाएंगे. ठीक, दिस इज व्हाट वी आर बेसिकली ट्राइंग टू डू. फॉर एग्जांपल, एक सिंपल अगर सिस्टम ले हम, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और लेट्स टेक समथिंग, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2. दिस इज द सिंपलेस्ट सिस्टम. यहाँ पे देखो अननोन्स कितने हैं, जैसे यहाँ पे हमने x1 x2 यूज किया था, अगर x1 x2 में लिखना है तो हमें y को क्या करना पड़ेगा, x2 करना पड़ेगा, समथिंग लाइक x1 प्लस x2 एंड x1 माइनस x2. ये भी एक सिस्टम ही है. यहाँ पे aijs क्या है, 1 टाइम्स x1 है, 1 टाइम्स x2 है, 1 टाइम्स x1 है, नेगेटिव 1 टाइम्स x2. हमें क्या करना था, यहाँ पे x1 एंड x2 के सारे पॉसिबल वैल्यूज फाइंड करने हैं, सच दैट सारे वो ऑर्डर्ड टपल्स फाइंड करने हैं, सच दैट एक्स वन यहाँ पे एंड एक्स टू यहाँ पे रखने के बाद दोनों भी इक्वेशन हमारे क्या होने चाहिए, साइमल्टेनियसली सॉल्व होने चाहिए. सो दिस इज द फंडामेंटल थिंग दैट वी आर इंटरेस्टेड टू डू, कि हमारे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन रहेगा, लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन रहेगा, जिसके हमें सोल्यूशन फाइंड करने हैं, यानी कि जो अननोन्स है उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है, सो दैट हर एक इक्वेशन में पुट करने के बाद वो इक्वेशन क्या होने चाहिए, सेटिस्फाई होने चाहिए. ठीक, मेजरली हम क्या करते हैं, सिस्टम को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं मैट्रिक्स में. तो वो जो हमें कोएफिशिएंट्स दिख रहे थे वो मैट्रिक्स के कोएफिशिएंट्स बन जाएंगे, ए एम वन, ए एम टू, ए एम एन. एंड यहाँ पे जो हमारे अननोन्स थे वो बेसिकली हम कॉलम्स में लिखेंगे, एक्स वन, एक्स टू, एक्स एन, एंड यहाँ पे राइट हैंड साइड में हमारा वाई. तो बेसिकली जो पीछे ये दिस थिंग्स यू नो आई नो, जस्ट एक क्विक ब्रश अप कर रहे हैं, क्विक रीकैप ले रहे हैं. तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को बेसिकली हमने क्या किया, ट्रांसफॉर्म कर दिया इस मैट्रिक्स नोटेशन में, ए एक्स इज इक्वल टू वाई. ठीक, अब यहाँ पे देखो गाइस, इसके पास सॉल्यूशंस कब रहेंगे, इस सिस्टम के पास सॉल्यूशंस कब होंगे, जब ये जो, अब ये जो पूरी सिस्टम है ना हम मैट्रिक्स के फॉर्म में देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एम बाई एन मैट्रिक्स है, ये जो पूरा कॉलम वेक्टर है वो एन क्रॉस वन कॉलम वेक्टर है एंड ये एम क्रॉस वन कॉलम वेक्टर. तो द की पॉइंट इज कि सिस्टम के पास सॉल्यूशन कब होंगे. देर इज ओनली वन वे टू हैव दिस सिस्टम अ सॉल्यूशन, व्हेन
जब हमारा ये जो कॉलम वेक्टर है ओके वाई वन वाई टू वाई एम, ये हमारे इस मैट्रिक्स के कॉलम स्पैन में रहेगा, देन एंड ओनली देन दिस सिस्टम विल हैव सॉल्यूशन। ठीक, क्या बोला, ये जो हमारे पास कॉलम वेक्टर है ये वाला वाई वन एट वाई एम, इसको क्या होना है, इस मैट्रिक्स के कॉलम्स के स्पैन में होना है। लेट्स से सी वन इज दिस कॉलम, ए वन वन एंड ये वाला, सी टू इज दिस कॉलम एंड सी एन इज दिस कॉलम। तो इस सिस्टम के पास तभी एंड तभी सॉल्यूशंस होंगे जब ये जो कॉलम वेक्टर यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये इन कॉलम्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। दिस इज द ओनली सिनारियो हमारे सिस्टम के पास सॉल्यूशन हो रहने वाला है। अब वो सॉल्यूशन यूनिक है क्या, वो सॉल्यूशन मतलब किसी भी यहाँ के एम बाय एन वेक्टर के लिए एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, अगर कर रहा है तो इनफाइनेटली मेनी वे से कर रहा है क्या, दीज आर द अदर थिंग्स दैट वी यूजुअली एनालाइज ऑब्जर्व यूजिंग द टूल्स ऑफ रैंक एंड नलिटी एंड सो ऑन सो ऑन सो। ठीक, बट द की पॉइंट इज जो हमेशा आपको याद रखना है कि इस सिस्टम के पास तभी सॉल्यूशंस होंगे जब ये कॉलम वेक्टर हमारे इस मैट्रिक्स के कॉलम्स के स्पैन में आएगा। बिकॉज ये जो हम यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं ना गाइस, ये वाला, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है एंड उस मैट्रिक्स को अगर हम किसी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो व्हाट वी एक्चुअली डू, वी नथिंग बट ये जो स्केलर्स यहाँ पे दिख रहे हैं ना आपको, इन स्केलर्स को उठा के हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं एंड उनका लीनियर कॉम्बिनेशन हमें एज अ आंसर आ जाता है। दिस इज इम्पोर्टेंट, मतलब जस्ट समझो इसको थोड़ा सा कि ऐसा क्यों होता है। सपोज मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया यहाँ पे, सिंपल 3x3 मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है, लेट्स से 1 2 -1, 2 4 1 0 1 3 समथिंग। एक हमने यहाँ पे मैट्रिक्स ले लिया एंड यहाँ पे इस मैट्रिक्स को एक कॉलम वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेट्स से 1 0 -1, सिंपल यहाँ पे हमें आंसर में कॉलम वेक्टर मिलेगा। ठीक है, इस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को समझो इस तरीके से, जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है, देन आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को देखने का थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाएगा। ठीक है, जो वेज रहेंगे सॉल्व करने के वो हम देख लेंगे, कब यूनिक रहेगा सॉल्यूशन, कब इन्फाइनेटली मेनी रहेंगे। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वे ऑफ लुकिंग एट मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। हमारे पास एक मैट्रिक्स है, हम उसको एक कॉलम वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने वाले। ठीक, हमारा यूजुअल वे है क्या है मल्टीप्लाई करने का, वी विल जस्ट 1 टाइम्स 1 1 प्लस 2 टाइम्स 0 0 -1 टाइम्स -1 -1 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमें 2 आ जाएगा, करेक्ट। देन यहाँ पे अगेन 2 टाइम्स 1 2 0 -1 यानी कि 1 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे 0 टाइम दिस प्लस 1 टाइम 0 यानी कि -3 आ जाएगा। दिस इज हाउ वी यूजुअली डू मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। ठीक, अगर आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन समझना है, ओके, जो मैट्रिक्स फॉर्म में हमने ट्रांसफॉर्म किए, इसी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन को दूसरे तरीके से देखो। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा, एज आई सेड, ये जो कॉलम वेक्टर यहाँ पे लिखा है ना, इसके जो एंट्रीज है उनको पिक करना है हमें एंड उनको हमें यूज करना है एज अ स्केलर्स इन कॉलम्स के साथ। एंड ये जो हमें स्केलर मल्टीप्लीकेशन मिलेगा कॉलम्स का, एग्जैक्टली हमें क्या मिलेगा, वही आंसर मिलेगा। मीन्स व्हाट आई एम सेइंग, यहाँ पे हमारे पास कितने कॉलम्स है, 3 कॉलम्स है, C1 C2 C3। ठीक है, एंड यहाँ पे इस जिस कॉलम वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें उसके पास भी कितने हैं, 3 स्केलर है। ठीक, व्हाट व्हाट यू शुड डू, यहाँ का पहला एलिमेंट उठाओ, पहला स्केलर उठाओ एंड उसको फर्स्ट कॉलम के साथ क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि 1 टाइम्स 1 2 0। इन यहाँ का दूसरा स्केलर उठाओ 0 एंड उसको दूसरे कॉलम के साथ क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि +0 टाइम्स दूसरा कॉलम क्या है, 2 4 1। एंड फिर यहाँ का तीसरा स्केलर उठाओ -1 एंड उसको थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लो, -1 1 3 -1 1 3। जस्ट चेक हमें सेम आंसर आ रहा है क्या जो वहां पे आ रहा था। सो ये तो देखो, इफ यू नोटिस केयरफुली, ये तो 0 टाइम्स है तो ये पूरा कॉलम ही क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, इसके हमें एज इफ जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये 0 टाइम्स होगा तो ये 0 ही हो जाएगा। ठीक,
ये बेसिकली वन टाइम्स है, तो दिस विल रिमेन एज इट इज वन, एंड यहाँ पे माइनस वन, मतलब यहाँ पे क्या करना है बेसिकली हमें इस कॉलम से इस कॉलम को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक। सो वन माइनस ऑफ माइनस वन टू, टू माइनस वन वन, जीरो माइनस थ्री माइनस थ्री, सेम उसको सेम है ही मतलब। सो व्हाट आई वांट टू से इज, जब आप इस पूरे लीनियर सिस्टम को कि इस मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, देन इस सिस्टम के पास एज आई सेड सॉल्यूशन कब होगा, जब ये जो वेक्टर है, ये यहाँ पे वेक्टर, ये इन कॉलम्स के स्केलर मल्टीप्लिकेशन में आएगा, इन कॉलम्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में आएगा, एंड जो स्केलर्स वहाँ पे हमें मिलेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन के, उन स्केलर्स को हमें यहाँ पे रखना है, एंड यू विल गेट योर वन सॉल्यूशन ऑफ योर सिस्टम। एंड व्हाई दिस इज सो, बिकॉज दिस इज हाउ एक्चुअली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डन, व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग सम मैट्रिक्स बाय सम कॉलम वेक्टर, ठीक है। कुछ थोड़ा बहुत हल्का हल्का फील आ रहा है, व्हाई दिस इज सो, या फिर पूरा ही ऊपर चला गया। हमारे पास कुछ स्पेसिफिक केसेस है, ओके, मतलब यू डोंट हैव टू थिंक सो मच। अगर देखो हमारे पास n बाय n मैट्रिक्स है, ए n बाय n है, यहाँ पे अगेन n क्रॉस 1 वेक्टर रहेगा, n क्रॉस 1 वेक्टर रहेगा, ठीक है। तो देखो गाइस, इस सिस्टम के पास हमेशा यूनिक सॉल्यूशन होगा अगर इस मैट्रिक्स का, इस n बाय n मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो होगा, ठीक है। ओके अच्छा था, ठीक है। तो देखो अगर हमारे पास n क्रॉस n मैट्रिक्स है A, जिस सिस्टम यहाँ पे हमारे जो अननोन से उनसे एक वेक्टर बन गया, यहाँ पे अननोन से एक वेक्टर बन गया, ठीक। अगर इस n क्रॉस n मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स से अगर उसका डिटर्मिनेंट गाइस नॉन जीरो आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई भी वेक्टर रख लो, कोई भी y वेक्टर रख लो, हमें हमेशा एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा x बार, ठीक है। ओके ठीक। तो ये डिटर्मिनेंट की बात हम कब कर सकते हैं, जब हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, इन दैट सिनेरियो होंगे, ओके, अदरवाइज ये नहीं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स है यहाँ पे n क्रॉस n, एंड अगर उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो यहाँ पे फॉर एनी y, ओके, एनी वेक्टर y बार, जो ऑब्वियसली कहाँ से रहेगा, f पावर n, मतलब जिस फील्ड से हमारे मैट्रिक्स की एंट्रीज है वहाँ से, तो हमारे पास हमेशा एक यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। एक पहली चीज़ थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है, वो याद रखो। एंड सेकेंड चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है, अगर कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, यहाँ पे अगर आपका नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर उस नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है, इफ़ ए इज नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ़ ए इज नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स, देन इफ what we can write, rank of matrix, okay, is less than number of columns, तो ये तो square matrices के लिए था, ठीक है। एंड अगर हमारे पास सपोज एक नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन अगर हमारे मैट्रिक्स की रैंक नंबर ऑफ कॉलम से कम हो गई, ठीक है, इन दिस सिनारियो हमारे पास आइदर नो सॉल्यूशंस रहेंगे, मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ वेक्टर है जिसके लिए, जो इसके कॉलम्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं आएगा, एंड अगर सॉल्यूशन मिल गया तो हमारे पास हमेशा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस रहेंगे, देन मैट्रिक्स ऐसे लिखो सच दैट इफ ए इज नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट रैंक ऑफ ए इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे नॉन स्क्वायर ऐसी कुछ खासा जरूरत नहीं है, इफ ए इज एनी मैट्रिक्स सच दैट, दिस विल होल्ड फॉर एनी मैट्रिक्स, ओके, इफ ए इज एनी मैट्रिक्स such that rank of A is less than number of columns, then system will
आइदर हैव नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ओके करता हूँ और इनफाइनाइटली, ठीक है, ये थोड़ा सा नोट करके रखो, ये एक पॉइंट। विल ट्राई टू यूज दिस टू रिमार्क्स टू सॉल्व द क्वेश्चंस। आज के लिए हम यहीं पे स्टॉप कर लेते हैं। जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के ऊपर के क्वेश्चंस रहेंगे, ओके, वो हम कल के लेक्चर में स्टार्ट में डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल कंटिन्यू अवर डिस्कशन। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन के बारे में दो तीन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो मुझे एक्सप्लेन करना था, एक इस तरीके से, दिस इज द की पॉइंट, जब ये वेक्टर इन कॉलम्स के स्पैन में आएगा देन एंड ओनली देन हमारे सिस्टम के पास सॉल्यूशन रहेगा, ओके। एंड दिज आर टू रिमार्क्स, और वन स्क्वायर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, हर एक वेक्टर के पास यहाँ के लिए हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। एंड फॉर एनी मैट्रिक्स, ठीक है, अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स आ रही है देन उस सिस्टम के पास आइदर नो सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, ठीक है। ठीक है, सो वेलकम, हम कल कंटिन्यू करेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेंगे कल का लेक्चर, ठीक है। तो इफ हम आज के लिए स्टॉप कर लेते हैं, थैंक यू।